चंद्रयान 3 का प्रज्ञान रोवर शिव शक्ति पॉइंट के आसपास चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के रहस्यों का पता लगाने में मसरूफ है। विक्रम लैंडर से कुछ मीटर की दूरी पर ही ये जानकारियां लगातार जुटा रहा है। इसरो ने इससे संबंधित प्रज्ञान रोवर का एक नया वीडियो भी जारी किया है। इसरो ने इस वीडियो को जारी करते हुए ट्वीट किया और लिखा कि दक्षिणी ध्रुव पर चंद्र रहस्यों की खोज में प्रज्ञान रोवर शिव शक्ति पॉइंट के आसपास घूम रहा है। दो देशों का सफल दौरा संपन्न करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली लौट आए हैं। दौरे से वापसी में प्रधानमंत्री मोदी ग्रीस से सीधा बेंगलुरु पहुंचे थे, जहां उन्होंने इसरो के वैज्ञानिकों को चंद्रयान 3 की सफलता की बधाई दी। वहीं पीएम मोदी का दिल्ली पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। पीएम के स्वागत के लिए पहुंचने वालों में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और दिल्ली बीजेपी के सांसद शामिल थे। वहीं प्रधानमंत्री का अभिनंदन करने के लिए लोग एयरपोर्ट के बाहर उमड़ पड़े। लोगों ने भारत माता की जय और मोदी मोदी के नारे लगाए। प्रधानमंत्री ने लोगों का अभिवादन किया और इस प्रेम के लिए आभार जताया। वहीं तमिलनाडु में आज सुबह मदुरै यार्ड में एक रेलवे कोच में अचानक आग लगने से 9 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। इस कोच में कुल 65 यात्री उस दौरान सवार थे। सुबह 5:15 बजे ये घटना उस समय हुई जब ये रेलगाड़ी रामेश्वरम से लखनऊ वापस लौट रही थी। इस कोच में उस समय आग लग गई जब यात्रियों ने चाय और नाश्ता बनाने के लिए अवैध रसोई गैस सिलेंडर का अनाधिकृत रूप से इस्तेमाल किया। अधिकारियों ने कहा कि किसी अन्य कोच को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, क्योंकि आग लगने वाले कोच को अलग कर आगे की यात्रा के लिए मदुरै स्टेबलिंग लाइन पर खड़ा कर दिया गया। 7 घायल यात्रियों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं मृतकों के निकट परिजनों को 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने की भी घोषणा की गई। दुर्घटना की व्यापक जांच के भी आदेश दिए गए हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।